प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम कल्याण से गीता प्रेस गोरखपुर के भक्तों की सच्ची कथाओं से कृपानुभूति अंक से हम जाको राखे साइया मार सके ना कोई प्रभु की कृपा का अनुभव सुना रहे हैं, जिसको लिख के भेजा है कल्याण पत्रिका में हेतीलाल त्रिपाठी जी ने। भक्तों, ये सच्ची घटना है। ये घटना कब की आपको बता रहे हैं, दिनांक 19 मार्च 2017 की है। दिन रविवार था। मथुरा नगर की मसानी स्थित चित्रकूट पर विगत वर्षों की भांति होली मिलन उत्सव दिव्य भव्य रूप में आयोजित हुआ था। फूलों की होली, ये सब कार्यक्रम चल रहे थे। रात्रि के 10 बजे कवि सम्मेलन था। कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ और मैं प्रथम पंक्ति की तीसरी कुर्सी पर मैं मंत्रमुग्ध होकर कवियों की सुंदर सी कविता सुन रहा था और एक टक मंच पर मेरी दृष्टि लगी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे सिर के ऊपर 15 फुट की ऊंचाई पर पंखा घन्ना फेरी ले रहा है। कार्यक्रम भी समापन के चक्र में था। अधिकांश लोग कविता पाठन कार्यक्रम भी समाप्ति के ओर था। अधिकांश लोग कविता पाठ के श्रवण में तो कुछ भोजन खाने में मस्त थे। हम लोग बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से अपना दायां हाथ उठाकर कवियों को प्रेरणा दे रहे थे। अचानक मुझे लगा कि रात्रि के समय कोई भटका कबूतर अथवा बाज पक्षी अपने पंखों से मेरे सिर के दाएं भाग पर भूल से आकर फड़फड़ाहट कर रहा है, जैसे पंखे की फड़फड़ाहट हो रही हो। अब ऐसी जैसे कि लगा तो मैंने अपनी गर्दन झुका दी एक तरफ बचाव की मुद्रा में, और न जाने कब कैसे मेरा दायां हाथ प्रतिरोधी की भूमिका में, जैसे कोई अपने को बचाने के लिए हाथ ऐसे आगे कर देता है, तो मैंने उंगलियों से धकेलने से अनुभूति कराई कि मुझे लगा कि मुड़ी पंखड़ियों के साथ मोटर सहित पूरा सीलिंग फैन मेरे आगे 6-7 फुट की दूरी पर खाली जगह में जा गिरा। पर सच तो है कि मुझे इस अनायास घटनाक्रम के सच पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ क्षणों में जो सुनिश्चित हुआ था कि ये बाज पक्षी नहीं प्रस्तुत सक्षात काल रूपी बाज ने मेरे सिर पर झपट्टा मारा था, परंतु भगवान की कृपा शक्ति ने मंत्रमुग्ध की तरह मेरी रक्षा कर ली। उसने रक्षा कैसे की ये तो वही जाने, पर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न था। सन्नाटा भरता भारी भरकम पंखा भला सिर पर गिरे और चोट न आए, ऐसा कैसे हो सकता है, ये संभव ही नहीं है। मैं चोट को समझने का प्रयास कर रहा था। शरीर के उस अंग पर अपने सीधे हाथ को जोर देकर फिराया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे सिर के दाईं ओर एवं बाईं ओर बालों के नीचे हल्की सी खरोंच लगी है, जो सिर पर गिरे भारी पंखे की मुड़ी हुई पंखुड़ी का परिणाम थी। कहने का मतलब, जैसे पंखा किसी चीज़ से टकराएगा चलता हुआ, तो उसकी लोहे हुए में टकराए तो उसकी पंखुड़ियाँ मुड़ सकती हैं, लेकिन किसी के सिर में टकराए तो उसकी तो गर्दन ही कटेगी और पंखुड़ी मुड़ने का सवाल नहीं है। तो ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे ऊपर पंखा गिरा, उसकी पंखुड़ियाँ कैसे मुड़ गई, और इस तरह से मेरे समझ के बाहर था। ये कोई एकांतिक घटना नहीं थी कि अकेले में हो गई। सारा पंडाल पूर्ण रूप से स्तब्ध रह गया और कुछ क्षणों के लिए सब लोगों का ध्यान एकदम से केंद्रित हो गया। जो जहाँ तक खड़ा एकदम से रह गया। मुझे चंद क्षणों में चारों ओर से सब लोगों ने घेर लिया। कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं सचिव महोदय ने मेरे मना करने पर भी बड़ी तन्मयता एवं आत्मीय भाव के साथ एक वाहन से प्राइवेट अस्पताल भेजा और प्राथमिक उपचार कराया। ईश्वरी कृपा की अनुभूति कराने वाली इस घटना का अनुभव करके ये पंक्तियाँ मेरी पर बस जबान पर बार बार आने लगती हैं। होनी तो होकर रहे, अनहोनी न होए, चाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। आश्चर्य तो ये है कि यदि कोमल फूल से भी किसी के सिर पर मारा जाए तो उसका भी थोड़ा सा घात होता ही है।
परंतु मेरे ऊपर तो पूरा पंखा गिरा, और पंखा भी बहुत पुराने जमाने का भारी पंखा, और पंखे की थोड़ी सी भी चोट मेरे को अनुभव ही नहीं हुई। इस कसमाई घटना ने मुझमें ईश्वर में अपरिमित आस्था एवं विश्वास जगाया कि वे सदा सर्वत अपने जनों की रक्षा करते हैं। अगर भगवान पे विश्वास है, ईश्वर पे निष्ठा है और उनकी कृपा पे विश्वास है, तो भगवान जी ऐसे ही सबकी रक्षा करते हैं। आज मुझे लगा कि मेरी जो प्रभु में प्रेम था, विश्वास था, दैनिक पूजा थी, आज मुझे उसी ने मेरी रक्षा की। बोलिए जय सियाराम।